अस्सलाम वालेकुम, मैं अंबर आज एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने एक बार फिर से। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों के हिसाब से बिल्कुल रिवायती सी एक रेसिपी जो सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है। लोग थोड़ा मुश्किल समझते हैं लेकिन ये मुश्किल हरगिज नहीं है। तो आज हम बनाएंगे चिकन हलीम। तो चलिए चल के जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें एक छोटे साइज का प्याज डाल दूंगी। इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा सा कलर आने तक। जब तक हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक मैं आपको ये दालें दिखा देती हूँ। ये है चने की दाल एक प्याली, मूंग की दाल आधा प्याली। मूंग की दाल इसमें थोड़ी सी कम जाती है और इसके साथ मैं ऐड करूंगी इसमें मसूर की दाल, ये भी तकरीबन आधा प्याली। इन तीनों दालों को मैं मिक्स करके इनको पीस लूंगी ताकि इनको गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। इनका बारीक पाउडर बना लेंगे किसी ग्राइंडर या मिक्सर में और उसके बाद इन दालों को इसमें मैं ऐड करूँगी। जो दालें मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई थी प्याज रेड होने तक, मैंने उनको बारीक पीस लिया और पीसने के बाद ये इस फॉर्म में आ चुकी हैं। इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी इसमें एक अदद के करीब टमाटर। ये बहुत बड़ा टमाटर नहीं है, दरमियाने साइज का टमाटर लेंगे। इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। पानी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन एक प्याली के करीब, मेरे पास चिकन है, ये तकरीबन हाफ के जी चिकन होगा। आप चाहें तो ज़्यादा चिकन भी डाल सकते हैं लेकिन जो दालों की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से ये चिकन मोर देन इनफ है, काफ़ी है चिकन इसमें। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं चिकन में गलने के लिए। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई स्पाइस। ड्राई स्पाइसेस में इसमें जाएगा थोड़ा सा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी रेड मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं जाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाला और इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग भी मिक्स कर दिया है कलर के लिए, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही इसकी भुनाई कर लेंगे। जितने टाइम में ये चिकन हमारा गलेगा उतने टाइम ये जो मैंने दालें पीस ली थी इनको मैं पानी में मिक्स कर लूंगी ताकि ये इसमें जाके इनके कोई लम्स वगैरह ना बने। चिकन जो है वो भुनाई के बिल्कुल नज़दीक है, ये देखें इसका ऑयल बाहर आ चुका है मसाले में से, ये साइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसको 2 से 3 मिनट के करीब हम अच्छी तरह भून लेंगे और जब इसका ऑयल बाहर आ जाएगा आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है चिकन। अब इस चिकन में डाल देंगे हम अपनी दालें जिनको मैंने पानी में मिक्स कर लिया था, जिस बैटर को, दालों का वो बैटर जो मैंने पानी में मिक्स कर लिया था वो इस फॉर्म में आ चुका है, ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में है। मैंने पानी, ये देखें, पानी में मिक्स कर लिया। अब हम इसको, ये जो चिकन मैं भून रही हूँ इसमें ये मिक्स कर दूंगी मैं इसमें। चिकन को मैंने पहले गलाया नहीं क्योंकि ये दालों के साथ ही गलेगा। अब मैं इस हलीम में ऐड करती हूँ एक की पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ कि यह हलीम का टेस्ट अच्छा कैसे बनेगा। अब हलीम में तकरीबन मैं 2 चम्मच छोटे या 1 बड़ा चम्मच के करीब ये व्हीट पोरेज है, ये जो पोरेज फूड हम बच्चों के लिए बनाते हैं ना, गंदम का दलिया, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बेसिकली हलीम का टेस्ट आएगा बहुत ही शानदार। अब हम इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे जब तक ये जो हमारा चिकन है ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। आपको दालों की क्वांटिटी के हिसाब से अगर पानी कम लगे आप थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दें, मैं इसमें पानी और ऐड करूंगी। अभी ये आपको बिल्कुल पतला सा लग रहा होगा लेकिन पकने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसको कवर कर दूंगी मैं और हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। तकरीबन आधा घंटे के करीब पकने के बाद जो हलीम है हमारी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखें। अब आपको दाल को बाद में एक्स्ट्रा पीसने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल दाल मिक्स हो गई है। तड़का कह लें, भगार कह लें, इसके ऊपर अब वो लगाएंगे फाइनल। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले चूल्हे पे वो पैन रखेंगे जिसमें हमने तड़का लगाना है और तड़का मैं लगाऊंगी देसी घी का। सबसे पहले मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब देसी घी डालूंगी। जितने प्याज का आपने तड़का लगाना है वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें। इसी टाइम पे मैंने ये गार्निश धनिया मिर्चें और अदरक जो मैंने काट के रखा हुआ था वो अदरक इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्राई होने के लिए। अदरक के फ्राई होने की खुशबू इतनी शानदार आ रही है, आप ये इसी तरह का तड़का किसी दाल के ऊपर भी बना के लगा सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर ये प्याज जो है ये तड़के के लिए बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा
जब तक हमारा तड़का तैयार हो रहा है आप जाके जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पसंद आए तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तड़का तैयार होने के बाद मैं ये धनिया और मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई थी ये इसमें डाल दूंगी और इसमें मिक्स कर दूंगी और साथ ही मैं शामिल करूंगी ये तड़का जो मैंने बनाया था। ये तकरीबन एक घंटे के मुख्तसर से टाइम में हमारी हलीम बहुत ही शानदार बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइंदा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।